हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। हम लोग चैप्टर 4 कर रहे थे, पार्ट से 4। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पेज नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 53 से। ठीक है, 53 में बी वाला है जो हेडिंग है हमारी कलर द हेड्स। हेड्स कितने कलर हैं तो मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम फोर पे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कलर 1/3 ऑफ द हेड रेड, कलर 3/5 हेड्स ब्लू। ठीक है, जितने भी ये टोटल हेड्स है देखो, इसमें डायग्राम बना हुआ है, इनको आप काम से करेंगे। ठीक है, ये जो सर्कल दिख रहा है इसके अंदर हेड्स बने हुए हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग यहाँ से किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 टोटल हेड्स कितने हो गए हैं 50। तो 50 हेड्स में कितने 1/3 हेड्स जो हैं वो रेड हैं और 3/5 हेड्स वो ब्लू है और बाकी के अपने को बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी हेड्स डिड यू कलर रेड। अब उसमें सिर्फ लिखा हुआ 1/3, तो हमको बताना है 50 में का 1/3 कितना होगा, क्योंकि टोटल कितने हेड्स जो है इसमें से वो रेड कलर के हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2 नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, कितने हैं 50, आपको मैंने अभी काम करके बता दिया है कि हमारे टोटल हेड्स कितने हैं वो है 50 और वो लिखा हुआ है टोटल कितना 1/3 हेड्स ऑफ द रेड। ठीक है, तो 1/3 ऑफ 50 लिखा है साथ में, तो इसको क्या लिखेंगे 1/3 × 50। ठीक, अब इस तरीके से क्या करेंगे, इस 50 को हम डिवाइड करेंगे, तो 3 की टेबल 2 की दे रहा था 5 × 12, 3 फाइव कितना होता है 15। तो जब इस 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, तो 5 हेड्स आर रेड कलर के, तो 9 और 5 कितना
ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, सी वाला नंबर ऑफ एक्स लेफ्ट ब्रांच, ठीक है, नंबर ऑफ एक्स लेफ्ट। तो टोटल हेड्स कितने हैं, 50, ठीक है। अब टोटल हेड 50 है, अब इसमें क्या करना, ये हमारे ब्लू हो गए और ये हमारे रेड हो गए, ठीक है। फिर क्या है, 15 लिखा माइनस 9 और 5 को प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा, 14। अब जब 50 में से 14 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1, ठीक है। तो 1/50 है ना, 1/50 पार्ट ऑफ हेड अकाउंट आर नॉन कलर्स, ठीक है, क्योंकि टोटल पार्ट कितने हैं, 15, इसमें से 1 हेड्स में कलर नहीं है, तो 1/50 पार्ट ऑफ हेड्स आर नॉट कलर्ड, ठीक है, समझ में आ गया। रेड के कितने हैं, रेड हेड्स कितने हैं, 5 हैं, ब्लू हेड्स कितने हैं, 9 हैं, और जिसमें कलर नहीं है वो कितना हेड्स है, 1। तो 5, 9 दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे टोटल 50 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद पेज नंबर 54, सिक्स पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, क्या है, सिक्स पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल। तो रानी हैज डिवाइडेड ए ग्रीन रेक्टेंगल इनटू सिक्स इक्वल पार्ट लाइक दिस, ठीक है। रानी ने क्या करा, रेक्टेंगल्स को सिक्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करके बनाया है, ये हो गया। इसका भी सिक्स होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। फिर एक नंबर बन जाएगा, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये हमें सिक्स इक्वल पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल्स कंप्लीट कर दिए हैं। फिर उसके बाद है पेज नंबर 57, पैटर्न्स इन पार्ट्स, मेक डिफरेंट पैटर्न्स बाय कलरिंग सम स्क्वायर्स इन द ग्रिड्स बी सी डी, व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड डिड यू कलर, व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड रिमेन व्हाइट और राइट, ठीक है। तो सबसे पहले एक ए वाला समझा देता हूं, ए वाला देखो बना हुआ है ऐसा पैटर्न,
प्रेजेंट्स इन पार्ट्स, ठीक है। इससे क्या है, ये कलर ब्लूज है, ठीक है। समझ में आ गया कि आप ये देखो, सबसे पहले इसमें टोटल कितने हैं, ये देखो कितने स्क्वायर है, 60। अब उसका जो पूछ रहा है ब्लू कितने हैं और व्हाइट कितने हैं, तो ये जो कलर वाले हैं ये ब्लू है, ठीक है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हैं 8 by 16। 16 में से 8 कितने हैं, ब्लू हैं, ठीक है। अब व्हाइट कितने हैं, व्हाइट काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 by 16 वाइट। समझ आ गया, ठीक है। टोटल स्क्वायर्स कितने हमारे हैं, 16, जिसमें से 8 है हमारे ब्लू है और ये वाइट है। अब नेक्स्ट है बी वाला, ठीक है। इसको बी वाला हमारा बी वाला पैटर्न। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी हम लोगों को ब्लू और व्हाइट में डिवाइड, सॉरी ये इस पे देखो नीचे रेड कलर में कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये था ब्लू और व्हाइट, अब नेक्स्ट कलर ले लेंगे अपन कोई सा भी, इसे मान लो हमने रेड कलर ले लिया, ठीक है। तो यहां पे हम इसको फिल कर देंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया। आप इसमें से देखो ये टोटल कितने हैं, स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल स्क्वायर कितने हैं 16, ठीक है। अब इसमें ये बताना है रेड कितने हैं और व्हाइट कितने हैं, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 और टोटल कितने स्क्वायर हैं 16, ये रेड, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 से करते हैं, सबसे पहले 4 से करते हैं, 4 टू सा 8 और 4 फोर सा 16, मतलब इसमें हाफ जो है 1 by 2 ले रहे हैं और 1 by 2 वाइट,
क्योंकि टोटल ये कितना है, 8 कितना होता है 16, तो 8 रेड है और 8 वाइट, तो 1/2 रेड और 1/2 वाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है सी वन, सी वाले में क्या है, इसमें भी हमको नए पैटर्न बनाना है, ठीक है। मान लो इसमें ये वाला पैटर्न बनाना है, ठीक है, और एक इधर बना देना है, एक यहाँ पर बना दे, ठीक है, फिर एक यहाँ पर बना दे, फिर एक यहाँ पर बना दे, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कितना हो गया 1/2, ये मान लो आपने 3 पैटर्न दिया था और 1/2 वाइट, ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है हमारा, ठीक है। इसको आप इरेजर कर दिया, ये तो सिर्फ इसके आगे वाला भी हो जाएगा, और उसके लिए हम लोग ग्रे ले लें। आप जैसे लुक, आप नीचे सेकंड वाला लुक एट ग्रेड अगेन इज द ग्रेड कलर 1/2 ब्लू 1/2 व्हाइट, राइट है 2/4 ब्लू 2/4 व्हाइट, ये भी करेक्ट है। अब सी वाला है जो 3/8 ब्लू और 5/8 व्हाइट, ये गलत है क्योंकि इसमें 3/8 और यहाँ पे 5/8 जो कि हमारे टोटल से अलग हो रहा है, तो मार्क ऑन द रॉन्ग आंसर, तो ये जो सी वाला है ये हमारा रॉन्ग आंसर है, ठीक है। अब उसके बाद है थर्ड वाला, ड्रॉ ग्रिड ऑफ 16 स्क्वायर्स एंड ग्रे पैटर्न्स में 2/8 रेड 1/2 येलो और 1/4 ग्रीन, तो इसका यूज करेंगे हमको इसमें भी पैटर्न्स कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे उसमें इसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे, और बाकी का जो हम PDF आप लोगों को सेंड करेंगे उसमें से आपको कॉपी को कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे तरीके से कॉपी कंप्लीट करेंगे, और जो ये पैटर्न्स वगैरह हैं इसको बहुत ही अच्छे से स्केल का यूज करके हम बनाएंगे। ओके, थैंक यू।